आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। ऋषिकेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 137वां और कांग्रेस सेवा दल का 99वां स्थापना दिवस चंद्रेश्वर नगर में धूमधाम के साथ मनाया गया। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि बाबा भीमराव अंबेडकर की ओर से बनाए गए संविधान के रास्ते पर चलकर वह ईमानदारी का साथ देंगे। चाहे वो हिमालय की गुफाओं में हो और इंद्र महासागर के किनारे हो, उन सबको, क्योंकि उनका आज जन्म दिवस है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि देश की आज़ादी को दिलाने वाली कांग्रेस को जीवंत रखें और यही उनका सम्मान है। उनको नए साल की भी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, देशवासियों को भी, देशवासियों को भी और इसी देशवासियों को। विशेष ये जो प्रोग्राम है पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और हम तो ये सबको संदेश देना चाहते हैं कि हाई कमान ये जो जिसके भी हम अधीन जिसके भी हम उसके अंडर में रहेंगे, हम पूरे विश्वास से उनकी सेवा करेंगे, समाज की सेवा, जनता की सेवा में सेवा दल। वहीं मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने भाजपा सरकार, मसूरी विधायक और मंत्री पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 10 साल में जनता के हित के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। वहीं विधानसभा के क्षेत्र में आज भी सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो नागरिक हैं वो तरस रहे हैं। पत्रकार वार्ता में मनीष गोनियाल ने कहा कि राजधानी से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर कई गाँव आज भी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के बोर्ड गिर चुके हैं लेकिन सड़क नहीं बनी। इसमें मेरा ये कहना है कि जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं बीजेपी सरकार के विधायक और ये खाली ये लॉलीपॉप दे रहे हैं जनता को, भोली भाली जनता को, जो हमारी पहाड़ी बमनोरी क्षेत्र की जनता है, भोली भाली जनता, उनको गुमराह किया जा रहा है। और उसमें देखा जाए तो राजधानी बने हुए इतने दिन हो गए हैं और जनता मूलभूत सुविधा से वंचित है, जो लाभ लेने से वंचित है। और उसमें देखा जाए तो आप मालदेवता से मात्र 20 किलोमीटर राजधानी से मात्र 20 किलोमीटर दूरी में रोडों का हाल इतना बदतर है, स्वास्थ्य बदहाल हो रखा है वहाँ, शिक्षा बदहाल हो रखी है और आने जो हमारी गर्भवती महिलाएं, हमारी छोटी बहनें हैं, उनको आने जाने में दिक्कतों का पूरा सामना करना पड़ता है। और उसमें देखा जाए तो अभी कुछ ही पहले माननीय विधायक गणेश जोशी जी ने उसमें अपने स्वास्थ्य को बदहाल बता दिया था। और जैसे हमारा चलचला हो गया, बुरासखंडा हो गया, वहाँ पर हालत इतनी बदतर है, आज की डेट में भी शर्म आती है उत्तराखंड बनने राजधानी बोलने में भी, कि वहाँ पर कुर्सियों में बांध कर ऊपर लाया जाता है और लोगों को, और इनकी समस्या करने में नाकाम रही। और जो हमारी कांग्रेस सरकार है अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम हो गई है। और दूसरा मेरा ये है कि जो ये फूड फेस्टिवल चल रहा है तो इसका मैं खुलकर विरोध करता हूँ इसमें, क्योंकि ये कोरोना महाकाल की इन लोग खुद ही धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आम गरीब जनताओं के लिए तो पूरा कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए बोल रहे हैं और त्योहारों का सीजन का टाइम है उसमें पालन करने के बोल रहे हैं खुद। वहीं कोटद्वार में आगामी चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता को बढ़ाने के लिए स्टेशन सैनिक इंस्टीट्यूट हॉल और मैदान सुरजन ऑडिटोरियम में आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि राइफल रेजिमेंट सेंटर लेंस डाउन में यूथ वोटर फेस्टिवल और महिला चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के उत्तराखंड श्रीमती सौजन्या ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर मतदाताओं को जागरूक किया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार उत्तराखंड में भाजपा विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। विजय संकल्प यात्रा जनपद टिहरी के मुनि की रेती क्षेत्र में पहुंची। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने के साथ पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह भी विजय संकल्प यात्रा में नजर आए। मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। संकल्प यात्रा में सैकड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनरल वीके सिंह और कैबिनेट मंत्री का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए जनता लालायित नजर आ रही है और कहा कि 2022 में होने वाले चुनाव के दौरान भाजपा 60 से अधिक सीटें लेकर बहुमत से फिर से सरकार बनाने वाली है। वहीं जनरल वीके सिंह ने हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवा चुके भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी श्रद्धांजलि दी। चुनाव की तैयारियां ठीक है लेकिन मैं तो आज इसलिए प्रसन्न हूँ, दो ऐतिहासिक चीजें तो जनरल साहब ने आज यहाँ पे दी है। ये निकट भविष्य में इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा
एक नौजवानों को रोजगार के लिए। वहीं लक्सर में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन विधानसभा के सुल्तानपुर गांव में पहुंचे हुए थे, जहां पर आप कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी में कई कार्यकर्ताओं को भी शामिल करवाया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तीसरे विकल्प के रूप में लोगों को आप पार्टी की विकासशील गारंटी योजनाओं को भी गिनाया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी जो राजनीति करती है वो काम की राजनीति करती है। वो राजनीति करती है लोगों को अच्छा पानी देने की, अच्छा रोड देने की, अच्छा अस्पताल देने की, अच्छी है बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन व्यवस्था देने की, वाईफाई देने की, महिलाओं को सुरक्षा देने की और करप्शन फ्री गवर्नमेंट देने की बात करती है। तो अभी यहाँ सर्वे चल रहा है, जो भी कैंडिडेट सूटेबल होगा। और एक चीज़ और देखती है आम आदमी पार्टी के जो टिकट से पहले जो भी लोग अप्लाई करते हैं, उम्मीदवार होते हैं, तो उनके बारे में पूछताछ भी होती है कि इनका कैरेक्टर कैसा है, क्या उसके बाद ही टिकट डिसाइड होता है। वहीं कलियर के रानीपुर में चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं विधानसभा रानीपुर से भाजपा विधायक आदेश चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी जगह प्रोग्राम चल रहे हैं। ओबीसी मोर्चा सम्मेलन और विजय संकल्प यात्रा जैसे कई कार्यक्रम भाजपा की ओर से चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 60 पार। यह लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ही प्राप्त करेगी। निश्चित रूप से आप महसूस कर रहे होंगे कि जितने भी आयोजन पार्टी के द्वारा किए गए हैं, प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन किया गया है, हमारी विजय संकल्प यात्रा जगह जगह पहुंची है, अभी हमारे ओबीसी के सम्मेलन जगह जगह चल रहे हैं, इसके बाद हमारा महिला मोर्चा का सम्मेलन चल रहा है, हमारा घर घर भाजपा हर घर भाजपा अभियान चला है। तो ऐसा लगता है कि पूरा वातावरण भाजपा में हो गया है। और जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ने निर्धारित किया है कि इस बार 60 पार, तो वो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से प्राप्त करेगी। और आज कोई विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी दिखाई नहीं देता। दूसरे डेवलपमेंट के काम हमारे पास इतने हैं बताने के लिए, जनता के लिए, जनता खुद महसूस कर रही है कि इतना पिछले 65-70 वर्षों में विकास नहीं हुआ जितना पिछले 6-7 वर्षों के अंदर हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हुआ है। और उसमें अधिकतम मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर इस पिछले 5 साल के अंदर 1,00,000 करोड़ के विकास कार्य केंद्र सरकार के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हम लोग कर पाए हैं। वहीं गढ़वाल के जिला कारागार पौड़ी में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में विभिन्न आवश्यक सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगडंडे ने कैदियों को कंबल, मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया। वहीं जिलाधिकारी ने कैदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। वहीं चमोली में उत्तराखंड कांग्रेस का वीर ग्राम प्रणाम योजना कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर जीत राम, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष गिरीश कंडवाल ने शहीदों को के ग्रामों में जाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सैनिक गतिविधियों में शहीद हुए परिजनों को उनके सम्मानित भी किया गया और शॉल उड़ाकर भी उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र में लोगों ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर जीतराम और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं का जोरदार स्वागत भी किया। तो आज तक यहाँ पे शायद कोई प्रतिनिधि आया नहीं, तो हमारी प्राथमिकता ही रही कि हम अपने इस वीर ग्राम में जाएं। हमारी ये एक यात्रा है, वीर ग्राम प्रणाम एक यात्रा है। तो हमारा गांव वीर ग्राम से है। हमारे गांव में आज सबसे पहले हम श्री अनुसूया सिंह बिस्ट जी की को श्रद्धांजलि दी, श्रीलंका में शहीद हुए। उसके बाद हम वीर सतीचंद सती जी के घर भी गए जो कारगिल के बटालिक में जो शहीद हुए थे टाइगर हिल्स पे। और हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे दादाजी हैं श्री स्वर्गीय फतेह सिंह बुटोला जी, तो इनको हम इनके घर पे आए, यहाँ पे हमने श्रद्धांजलि दी और अच्छा भी लगा अपने घर ही पे आए हैं हम। कांग्रेस का एक मिशन है कि वीर ग्राम जो हमारा सम्मान योजना है उसके अंतर्गत आज हम सिमली ग्राम सभा में पहुँचे। उसमें हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय फतेह सिंह जी हैं, उनका परिवार है। यहाँ पर शहीद सतीश चंद्र सती जी का जो शहीद हुए थे कारगिल शहीद में, उनका गांव यहीं सिमली के अंतर्गत है।
और स्वर्गीय श्री अनुसुया सिंह बिष्ट जी का भी जो है जो श्रीलंका में शहीद हुए थे उनका भी ग्राम सभा यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये सिमली ग्राम सभा एक वीरों की भूमि है और आज हम यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर पे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूर्व विधायक जीतराम जी आज हमारे घर पे आए, मेरे ताऊ जी को 138वां श्रद्धांजलि मेरे घर पे आके मुझे सबसे पहले उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ जो कि आज हमारे घर पे आके हम मेरे ताऊ जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का कष्ट किया। आप लोग सभी पार्टी के सभी लोगों को मैं अपने घर पे आने का बहुत बहुत। वहीं उत्तराखंड सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है लेकिन कर्णप्रयाग का उपजिला अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। अस्पताल में डॉक्टरों के विभिन्न पदों पर रिक्तियां होने के कारण दो विशेषज्ञ डॉक्टरों के तबादले की खबर सुनते ही स्थानीय लोगों में उबाल देखने को मिला और लोगों ने आज अस्पताल में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर दोनों विशेषज्ञ डॉक्टरों का तबादला नहीं रोका गया तो आंदोलन किया जाएगा। कर्णप्रयाग अस्पताल के दो डॉक्टरों के तबादले को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि एक ओर सरकार विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो वहीं दूसरी ओर यहां के डॉक्टरों का तबादला कर यहां के अस्पताल को रेफर सेंटर बना रही है। समाज सेवी कैलाश खंडूरी ने कहा है कि अगर दोनों विशेषज्ञ डॉक्टरों का तबादला नहीं रोका गया तो सरकार को इसका खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। के माध्यम से ज्ञापन अभी हमने अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए प्रेषित किया है। हमने मांग की है कि हमारे जो डॉक्टर हैं उनका स्थानांतरण तत्काल रोका जाए और अगर उनके स्थानांतरण को रोका नहीं जाएगा डॉक्टर के जगह पर डॉक्टर को नहीं दिया जाएगा तो हम तत्काल कर्णप्रयाग के अंदर तहसील प्रशासन के अंदर उसका तालाबंदी करेंगे, जरूरत पड़ने पर बाजार को बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे और यहाँ तक कि डॉक्टरों के स्थानांतरण रोकने के लिए और डॉक्टरों की मांग के लिए हम भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी तो उसके लिए भी यहाँ पर बैठ सरकार से बार बार प्रार्थना की अनुरोध किया है। कल भी सरकार जो है जनता के द्वारा आई थी और हमने सरकार को भी यही कहा कि आप जो है इन डॉक्टरों का जो है जो स्थानांतरण यहाँ से हो रहा है आप जनहित में रोकिए नहीं तो इसका प्रभाव आने वाले चुनाव में पड़ेगा और सरकार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा तो इसलिए आप जो है दोनों डॉक्टरों का जनहित में जो है गरीब जनता को देखते हुए इनका स्थानांतरण शीघ्र रोक दिया जाए जिससे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ गरीब जनता सुनने में आया है कि यहाँ से डॉक्टर राजीव शर्मा जी जो हमारे सरदन साहब यहाँ पे कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनका पदोन्नति के आधार पर ट्रांसफ़र हो रहा है और एक हमारे जो दंत चिकित्सक हैं उनका जो है ट्रांसफ़र गोपेश्वर किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तीन विधानसभाओं का क्षेत्र है, पिंडर, कर्णप्रयाग और जोशीमठ। ये यात्रा का भी बहुत बड़ा पड़ाव है, यहाँ से डॉक्टरों का स्थानांतरण होना दुर्भाग्य। राजकीय उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग पिछले लंबे समय से डॉक्टरों के अभाव को झेल रहा है, इस क्षेत्र की जनता पीड़ित है और अभी संज्ञान में आया है, एक आदेश जारी किया है उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य और शिक्षा अनुभाग के द्वारा, उसके भाग एक के द्वारा और उसमें हमारे जो दंत चिकित्सक हैं डॉक्टर थपलियाल उनका स्थानांतरण यहाँ से गोपसर कर दिया गया है। उससे पूर्व में भी एक डॉक्टर का स्थानांतरण हो चुका है और ये गढ़वाल के एक लाइफ लाइन है, खासतौर पर डॉक्टर राजीव शर्मा जो यहाँ सर्जन है उनका भी सुनने में आ रहा है कि ट्रांसफ़र प्रमोशन के आधार पर किया गया है। उनके आदेश की कॉपी अभी तक हमको नहीं पहुंची है लेकिन पुख्ता सूचना है कि उनका स्थानांतरण यहां से किया जा रहा है। ये अपने आप में कर्णप्रयाग क्षेत्र की घोर उपेक्षा है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पहाड़ी क्षेत्र है जनपद चमोली। रुड़की में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 137वां स्थापना दिवस मनाया। बता दें कि आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे रुड़की के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने बताया कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब से लेकर अब तक कांग्रेस की उपलब्धियां वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं के सामने रखी और आह्वान किया कि जिस कांग्रेस का सुनहरा इतिहास हो, जिसने पूरे देश और दुनिया को राह दिखाई हो, ऐसी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। वहीं मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में विजय का परचम लहराएगी। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का स्थापना दिवस है, उसको मनाने के लिए यहाँ सब कांग्रेस के लोग एकत्र हुए और
इतने लंबे समय से 1885 में कांग्रेस की स्थापना आज के दिन हुई थी, तब से अब तक की उपलब्धियां कांग्रेस की संगठन के माध्यम से, उस पर सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और चर्चा किया और ये आह्वान भी किया कि जिस कांग्रेस का इतना स्वर्णिम इतिहास हो, जिसने पूरे देश और दुनिया को राह दिखाई हो, उस कांग्रेस की मजबूती के लिए हमारा क्या फ़र्ज है, क्या करना चाहिए। बिल्कुल लहराएगी, हालात तो बहुत अच्छे हैं। आम जनता ये समझ चुका है कि जो लोग सरकार में बैठे हैं वो झूठ के अलावा और कोई बात नहीं करते, उनकी कोई योजना नहीं है झूठ बोलने के अलावा और देश की संपत्ति को बेचने के अलावा। ऐसा है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आज 137वां स्थापना दिवस था कांग्रेस का, जो आप जो आज सभी ने मनाया है, सारे कांग्रेसियन ने, युवा हो महिला हो, सब कांग्रेसियन ने मनाया है। और ये यहाँ से ये संदेश दिया है कि अब चुनाव आ रहे हैं, ताकि सब लोग एक साथ कार्य करें, एक साथ रहें, पार्टी जिसे भी टिकट दे, पूरा संगठन रुड़की शहर का संगठन उसके साथ रहे, ताकि रुड़की का कांग्रेस का यहाँ से मेयर बने। आज और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।